नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। मंगलवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में पहली बार कोविड-19 रोगियों में साइटोमेगाला वायरस से संबंधित रेक्टल ब्लीडिंग के 5 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के कुछ दिन बाद इसका पता चला। सर गंगा अस्पताल के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी एंड पैनक्रियाटिकोबिलरी साइंसेस के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल अरोड़ा के मुताबिक अप्रैल मई 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अस्पताल में CMV संक्रमण के 5 मामले देखे गए हैं। ये मामले उन मरीजों में देखे गए हैं जो कोरोना वायरस से इम्यून थे। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, इन रोगियों ने पेट में दर्द और मल में रक्तस्राव की शिकायत की। इन रोगियों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के 20 से 30 दिनों के बाद इस बात की शिकायत की। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण और इसके उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता को दबा देती है। इस कारण वो ठीक होने के बाद भी असामान्य संक्रमणों के लिए अति संवेदनशील हो जाते हैं और ऐसा ही एक अवसरवादी संक्रमण साइटोगोमलोवायरस है। उन्होंने कहा, साइटोगोमलोवायरस 80 से 90% भारतीय आबादी में असिम्प्टोमेटिक फॉर्म में मौजूद होता है। हमारा इम्यून उन्हें असिम्प्टोमेटिक बनाए रखता है, लेकिन इसके लक्षण उन रोगियों में दिखते हैं जिनकी प्रतिरक्षा क्षमता कम होती है। उन्होंने कहा, हाल ही में आए मामलों में सभी रोगियों में कम लिम्फोसाइट काउंट पाए गए। उन्होंने ये भी कहा, 30-70 वर्ष के आयु वर्ग के 5 मामलों में से 4 मामले दिल्ली NCR से थे। इनमें कम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग थी, जो मल में खून बहना है, वहीं एक मरीज को अंतों में रुकावट थी। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, एक मरीज को भारी रक्तस्राव हुआ था जिसके कारण उसने दम तोड़ दिया, वहीं एक को सर्जरी की ज़रूरत थी। एक ने भारी रक्तस्राव और कोविड-19 के कारण सीने की समस्या के चलते दम तोड़ दिया था। अन्य 3 रोगियों को गैनिक्लोवर और एंटीवायरल थेरेपी के जरिए सफलतापूर्वक इलाज किया गया था। सर गंगाराम अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सुंदा जैन ने बताया, साइटोमेगालोविनर्स कोलाइटिस की पुष्टि CMV बोनोरिया के लिए PCR टेस्टिंग और बड़ी आंत से टिश्यू वायसोसिस से हुई, जिसमें इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी दिखाई दी, जो कि CMV संक्रमण के कारण होता है। उन्होंने कहा, जल्दी डायग्नोसिस और समय पर इलाज का इससे बचाव हो सकता है। देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें CTD न्यूज और साथ ही लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।